दोस्तों लॉकडाउन के बाद से ना आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो फूड लाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बूम पे है और काफ़ी लोगों को ना अपना जो फूड के अंदर टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिल रहा है। लॉकडाउन ने दोस्तों कई लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दी है और कई लोगों की जॉब्स भी गई है, मगर अपॉर्चुनिटी मैं ज़्यादा कहूँगा क्योंकि इस चीज़ में ना लोगों ने अपना बिजनेस जो है वो शुरू करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो बेसिकली क्या है कि दोस्तों जैसे ट्राई सिटी में मैं रहता हूँ, तो ट्राई सिटी में ना आपको वैसे तो राजमा चावल हर जगह खाने को मिलेंगे, मगर आजकल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉलें लगनी शुरू हो गई हैं। और ऐसे ही आज एक स्टॉल के पास हम आए हैं जो कि चलाते हैं तजिंदर जी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे हैं, और ये ना सेक्टर 10 पंचकुला में लगाते हैं, अपोजिट में है दोस्तों पाँच सेक्टर का बस स्टैंड और ठीक उसके सामने ही ये लगाते हैं। आप भी यहाँ पे आके ना इनसे लंच टाइम में राजमा चावल, कढ़ी चावल, अलग अलग लंच आइटम्स जो होती हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो आइए हम भी इनसे बात करते हैं और देखते हैं किस तरीके का इनका खाना है और टेस्ट करके देखें किस तरीके का है ना। आ जाओ दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं स्टॉल के ओनर तेजिंदर जी। सत श्रीकाल भाजी। भाजी जरा बताओ अपने स्टॉल के बारे में क्या क्या रखते हैं, और सबसे पहले तो ये बताइए आपने कब से इसको लगाना शुरू किया। मैंने यहाँ पे जी 2016 से ना 5 अक्टूबर 2016 से मैं यहाँ काम शुरू किया था जी यहाँ पे। हाँ, 6 साल हो गए तकरीबन, ऑलमोस्ट 6 साल पूरे होने वाले हैं 10 अगले महीने। हाँ, तो 6 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, ये 6 साल से कर रहे हैं आप, तो मतलब 6 साल से आप क्या क्या रखते हैं मतलब खाने के लिए अलग अलग टाइम? शुरू में मैंने शुरू किया था कढ़ी चावल, राजमा चावल, फिर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, जैसे दाल डिमांड बढ़ती गई, वाइट चने, काले चने, दिनों के हिसाब से लेके आता हूँ मैं। अच्छा, मतलब जिस दिन आज चेंज करके थोड़ा सा कढ़ी राजमा चावल ये तो डेली रहता है, वाइट छोले जैसे शनिवार को, कभी काले चने ले आए, कभी दाल ले आए चेंज करके। हाँ जी, मतलब वैरायटी होती है, मतलब हाँ जी, हाँ जी, चेंज करके जैसी डिमांड होती है कस्टमर की। तो फूड लाइन में कैसे मतलब आपने आया? मैं पहले ढाबा करता था जी, 20 साल ढाबा किया है जी। अच्छा, आपने पहले ढाबा चलाया? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है जी, मैंने ढाबे का काम पहले 20 साल किया है जी, उसके साथ केटरिंग का काम भी करता था छोटे मोटे पार्टी की जैसे ना। अच्छा, तो वो भी मैं मतलब केटरिंग का काम भी कर देते हैं, जैसे छोटे मोटे 100-150 बंदे की वो केटरिंग का काम भी कर देते हैं, यहाँ भी ऑर्डर आ जाते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप पे कड़ी चावल चाहिए 100-150 अच्छा बंदों का, तो वो बना देते हैं हम। ओके, तो ये वाइट चने हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्रवीण भाई, क्या बात है, काबुली चने बड़े वाले जो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और ये है जी राजमा जी, ये आ गया दोस्तों राजमा। ओहो, गर्मा गर्म दोस्तों, देखिए अभी अभी जो हम टाइम पे आए, एकदम लंच टाइम पे बिल्कुल सर ने अपना टेबल लगाया और हम पहुँच गए हैं ना खाने के लिए। और ये आ गई कढ़ी, कढ़ी पकौड़े वाले जी। क्या बात है दोस्तों, ये देखो जरा कढ़ी की कंसिस्टेंसी चेक करो, क्या बात है। तो पकौड़े भी पूरे फुल भरे हुए हैं मतलब, है ना, बहुत बढ़िया। और साथ में ये बासमती राइस है जी, ये है दोस्तों बासमती राइस, और चावल के जो दाने हैं ना वो भी पूरे खिले खिले हैं जी, है ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और खुशबू जो आ रही है चावल की बहुत अच्छी आ रही है। अभी इसका हाफ प्लेट 50 है जी, फुल प्लेट 70 है जी। फुल प्लेट कढ़ी चावल, राजमा चावल मैक्सिमम जो बिकता है मेरे पास वो राजमा और कढ़ी मिक्स बिकता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और क्या टाइमिंग है सर आपकी यहाँ? टाइमिंग मेरा दोपहर को लंच के टाइमिंग है सर 1:30 बजे, क्योंकि यहाँ पे आसपास ऑफिसेज हैं, बस स्टैंड में भी ऑफिस हैं, पीछे बैंक है 5, तो बैंक करके जो बिजनेस होता है ना वो लंच के टाइम में होता है 1 बजे से लेके 4-5 बजे तक। अच्छा, 1 से 4 के बीच में। तो दोस्तों आप भी कभी आते हैं ना सेक्टर 10 पंचकुला में तो सर से जरूर मिलिएगा, बस स्टैंड के मेन गेट के सामने है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना जस्ट अपोजिट में ही बस स्टैंड है, तो ठीक मेन रोड है बीच में और उसके साथ ही सर लगाते हैं यहाँ पे। तो सर ये जो आप अलग अलग आइटम्स लाते हैं वो बनाते आप खुद हैं? हाँ जी, खुद बनाते हैं, घर पे बड़ी वो रखा हुआ है, भट्टी रखी हुई है, उसमें बड़े स्टोव पे बनाते हैं जी। अरे वाह, खुद ही मतलब सारा स्वाद जो आप देते हैं? हाँ जी, खुद बनाते हैं, जैसे वाइफ हेल्प कर देती है मेरी, हम दोनों मिलके बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कटिंग वगैरह करके दे देती है, हम तड़के छड़के लगा के चावल बना के इनमें डब्बे में लगा के गाड़ी में डाल के ले आते हैं, रेडी करके ले आते हैं ना। तो वैसे भी दोस्तों जैसे बोल रहे हैं कि सर ने ढाबा चलाया 20 साल, तो एक्सपीरियंस तो पूरा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले ढाबा कहाँ होता था आपका? पहले ढाबा मनी माजरा में होता था जी। अच्छा, मनी माजरा। सर मेरा नाम राहुल राणा है। राहुल जी, हाँ जी। और सर आपका? नितिन शर्मा। नितिन जी, तो सर आप, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लंच कर रहे हैं, तो मतलब यहीं कहीं आसपास जॉब करते हैं आप? एक्सिस बैंक में लगे हुए हैं। एक्सिस बैंक में जॉब करते हैं, तो आप मतलब यहाँ पे आके लंच अपना करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, डेली का। ब्रांच के बिल्कुल सामने है, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती, ब्रांच के बाहर निकलते हैं बिल्कुल सामने ही सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल बेटर है, सामने ही है तो बहुत कन्वीनियंट है। और टेस्ट कैसा है? टेस्ट के बारे में? टेस्ट जबरदस्त है, घर के खाने की मतलब
वही महक आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो रेगुलर खाते हैं? रेगुलर खाते हैं सर यहाँ। बहुत बढ़िया, इकोनॉमिकल भी है और डेली के हिसाब से, अगर जिसने डेली खाना है उस हिसाब से तो पैसे डेली लगते हैं सर। और सबसे बड़ी बात है इसको यहाँ पे कम से कम 5 साल हो गए मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा, आप भी एक बार टेस्ट एक बार खा के देखो सर, आप भी बार बार यहाँ पे आओगे। बिल्कुल सर, हम एंड में बिल्कुल ना जाके स्वाद लेते हैं ताकि सारा काम खत्म करने के बाद हम खा के देखें किस तरीके का है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे आपका पहले ढाबा था तो आपने कभी सोचा कि मतलब वापस उसी चीज़ को किया जाए, थोड़ा मैनेजमेंट के साथ जैसे आपने बोला थोड़ा मैनेज करना? सर, लेबर की प्रॉब्लम हो जाती है ना, बंदे नहीं मिलते हैं काम वाले, उसके लिए टीम वर्क है। 5-6 बंदे तो कम से कम चाहिए ढाबे के लिए। खाने बहुत सजेस्ट करते हैं मेरे मतलब अपने ही रिश्तेदार, सिस्टर के बच्चे बोलते हैं कि मामा आपका यहाँ काम कर लो, दुकान लेके बना लो ढाबा, लेकिन दिल नहीं करता कि अभी बस यही काम ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, सुकून है मतलब अपना काम करा, शाम को घर गए, आराम किया है ना। हाँ जी, चलिए ठीक है सर। किन्ने तो आइए दोस्तों, टेस्ट करते हैं अपने भी और देखते हैं राजमा कड़ी। हाफ राजमा और कड़ी लगवा रहे हैं ना ताकि दोनों का स्वाद मिले, और यही ट्रेंड है दोस्तों ट्राई सिटी में ना, इसी तरीके से ना अलग अलग जो चीज़ें होती हैं ना उनको टेस्ट किया जाता है, खाया जाता है, क्योंकि एक ही आइटम लेंगे ना तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना, दो आइटम रहती है ना तो मज़ा आता है खाने में। तो ये गया, और इसके ऊपर से डलवाते हैं थोड़ा सा सैलेड जिसमें कि खीरे हैं, और ये गई ग्रीन चटनी, क्या बात है। तो ये धनिया पुदीने की चटनी। हाँ जी, तो ये आ गया दोस्तों हमारी प्लेट, ये देखो जी। टाइम भी हो चुका है दोस्तों 2:30 बज रहे पूरे पूरे, तो लंच का जो टाइम है वो हो चुका है, भूख भी लग गई है। तो ये देखिए, ये दोनों तरीके की आइटम्स, जैसे कि ये है राजमा, ये राजमा चावल है एक साइड में, और दूसरी साइड में दोस्तों ये देखिए कढ़ी है ना, कढ़ी पकौड़े ऊपर से डाली गई है दोस्तों, ये थोड़े से जो खीरे हैं वो, और हरे जो चटनी होती है हरी वाली धनिया मिर्च वाली वो। तो सबसे पहले राजमा टेस्ट कर लेते हैं एक बार। हाँ, गर्मा गर्म है ना। जैसे मैंने बाइट ली ना, राजमा का अपना फ्लेवर तो है ही है, मगर जो ऊपर से चटनी डाली है ना वो बिल्कुल चटाकेदार है, चटपटी वाली, तो उसका जो फ्लेवर है वो मज़ेदार आ रहा है। होम स्टाइल कुकिंग है दोस्तों, जो फ्लेवर है बिल्कुल घर जैसा है। बढ़िया। आप ट्राई करते हैं दोस्तों की कढ़ी पकौड़े, ये देखो ये पकौड़ों को ना मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो अलग अलग तरीके के बेसन के पकौड़े हैं। हाँ ये देखो जी, ये बाइट बनाते हैं और गर्मा गर्म है दोस्तों। लंच में और क्या चाहिए आपको, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया बस स्टैंड ना सामने ही पड़ता, तो यहाँ से भी कई लोग आते हैं जो बस से कहीं से आ रहे होते हैं तो उनको भूख लगी होती है उस टाइम पर ना, तो गर्मा गर्म आके यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश खाना जो है वो इन्जॉय करते हैं। अच्छा, एक और अच्छी क्या खास बात है दोस्तों इसमें ना, यहाँ पे ना इन्होंने बासमती चावल यूज़ किए हैं, फिर उसका जो फ्लेवर है वो सब्ज़ी के साथ मिलके ना बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल लाइट वेट लग रहे हैं, जो चावल के जो दाने हैं ना वो बिल्कुल खिले खिले हैं, तो टेस्ट ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें ना मैं फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और सर से आके ना यहाँ पर लंच में फूड ज़रूर ट्राई करिएगा है ना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। और आपके आसपास में अगर आप ट्राई सिटी से हैं और यहाँ पे कोई और हैं जो इस तरीके से फूड स्टॉल्स वगैरह या कार्ट वगैरह लगाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और उनका जो खाना है ना स्वाद है वो भी लेके आपको बताएंगे कि किस तरीके का है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।